इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का तरीका हम डिस्कस कर रहे थे कि हम पहले जैसे हमने ए स्क्वायर ए की पावर 7 ए की पावर 100 निकालना है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 निकाल लें और इसके बाद एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें ए स्क्वायर देखें तो 3 1 माइनस 4 माइनस 1, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3 1 माइनस 4 माइनस 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा और 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 माइनस 12 माइनस 4 यानी -16 आ जाएगा, और -4 और -4 और आपका क्या रहेगा --1, तो ये शायद -3 आ जाता है, देखते जाना। अच्छा, जब आप ए क्यूब करोगे तो 5 2 -16 -3 को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 1 -4 -1 से, तो सबसे पहले फिर से 3 1 जाएगा तो 15 है ना, ये 5 2 -16 -3 आएगा, और 3 1 -4 -1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 1 फिर से मल्टीप्लाई होगा और ये रिजल्ट क्या बना देगा देखिए जरा। हाँ भाई, क्या रिजल्ट बना रहा है बताओ? 1, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ -8 आएगा, ठीक है ना, वो देख लेना कैलकुलेशन। अब जरा मल्टीप्लाई करो 3 और 1 का, तो 15 -8 पहला टर्म 7 बचेगा, फिर 6 -3 अगला टर्म 3 आएगा, फिर -4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 + 8 तो अगला टर्म यहाँ -12 आएगा, और फिर आएगा -8 और प्लस का 3 तो यहाँ -5 आएगा, देखते जाइएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर आपको जाना पड़ेगा तो ए की पावर 4 तक जाना पड़ेगा, वैसे पैटर्न तो यही ऑब्जर्व हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा आप ए की पावर 4 तक जाएंगे अगर किसी कैलकुलेशन में आप गए तो। वैसे ए की पावर 4 आप जल्दी से निकालिए, तो जो ए स्क्वायर आ रहा है 5 2 -8 -3 इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोबारा 5 2 -8 -3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 लो 25 -16 तो ये 9 आ जाएगा, और 10 - 6 ये 4 आ जाएगा, फिर -40 + 24 ये -16 आ जाएगा, और -16 + 9 ये -7 आ जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन आपकी सही है सारा। अब जैसे हमने इतने मल्टीप्लाई किया, अब आगे तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे नहीं, मान लो ए की पावर 7 हमें निकालना है या ए की पावर 100 हमें निकालना है, वैसे आगे तो मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे नहीं, तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। अब पैटर्न देखिएगा, पहला टर्म 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो इसका मतलब अगर मैं सेम एज ए टू दी पावर एन लिखूं तो 3 5 7 के हिसाब से इसको 2n + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। अच्छा, फिर अगले में आओ, यहाँ पर चल रहा है -4, यहाँ पे आ रहा है -8, यहाँ -12, यहाँ -16, तो ए की पावर एन में यहाँ 4n आएगा कि नहीं, -4n। अच्छा, अगली बार यहाँ के हिसाब से पैटर्न ऑब्जर्व करो, अगली बारे में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। फिर अगला ऑब्जर्व करो, -1 आ रहा है, -3 आ रहा है, -5 आ रहा है, -7 आ रहा है, तो यहाँ पे -2n - 1 आ जाएगा। अभी हमने ए की पावर एन सेम पैटर्न ऑब्जर्व करके निकाल लिया, अब हमें कुछ भी टर्म चाहिए एन की वैल्यू वेरी कराएंगे, आंसर लिखते चले जाएंगे। समझ में आए? जैसे हमें ए की पावर 7 चाहिए तो सीधा एन की जगह क्या रख दो, 7 रख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, ये आ जाएगा। अब जैसे हमें ए की पावर 100 चाहिए तो बस एन की जगह 100 रख दो, बोलो। तो 201 -400 100 और -199 ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो जब भी आपको इस तरह की ए दिया हो और आपको ए स्क्वायर ए की पावर 7 ए की पावर 100 तक जाना हो, तो ऑब्जर्वेशन सिंपल है, ए स्क्वायर ए क्यूब बहुत ज्यादा निकालना पड़ेगा तो ए की पावर 4, और जो टर्म्स के चेंजेस हो रहे होंगे उनमें एक पैटर्न चल रहा होगा, उसी पैटर्न के हिसाब से आप ए की पावर एन उठा के लिख दोगे और उसी को सिंपलीफाई करके आप अपना आंसर लिख दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? उन्हीं के हिसाब से आप उसको सिंपलीफाई करके अपना आंसर हर बार लिख दोगे,
बात समझ में आ गई? ओके सर, यही काम आपको हर यस बार करना होगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा हो गया ना ये क्वेश्चन, सबने कर लिया? समझ में आया ना? इसी इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप पूछा गया एक्चुअली। ठीक है, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2a - i, और आपको a की पावर n में कमेंट करना है। अब मैट्रिक्स ए नहीं दी हुई है, मैंने आपको बताया ना, इसमें भी आपको काम करना है, ए स्क्वायर की हेल्प से ए की पावर एन में कमेंट करना है। तो ऑब्वियसली एक पैटर्न ऑब्जर्व करके आप ए क्यूब, ए की पावर 4, बहुत ज्यादा ए की पावर 5 लिखेंगे और एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से ही आप ए की पावर एन को लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, पैटर्न ऑब्जर्वेशन की बात? जैसे इसमें अगर हमें ए स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज 2a - i, तो पैटर्न ऑब्जर्व करो तो भाई ए क्यूब निकाल लो, और आपने पढ़ा था ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ए स्क्वायर है 2a - i, उसमें ए और मल्टीप्लाई करोगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बन जाएगा 2a² - अच्छा ए इंटू आई मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए ही आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, तो 2 × 2a - i - a आ जाएगा। तो ये क्या 4a - a, मतलब 3a - 2i आया। अरे हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद a की पावर 4 अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, a क्यूब में फिर a मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, a क्यूब 3a - 2i आया, उसमें फिर a मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3a² - 2ia, तो ये फिर से 2a हो जाएगा। अच्छा, a स्क्वायर फिर से आपको दिया हुआ है 2a - i, इसमें फिर से -2a कर दोगे तो आपकी 4a और -3i आ जाएगा। तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या, कि ए स्क्वायर जो है वो 2a - i दिया हुआ है, ए क्यूब जो है वो 3a - 2i दिया हुआ है, ए की पावर 4 जो है वो 4a - 3i दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर 2a, ए क्यूब में 3a, ए की पावर 4 में 4a, तो हम सेम एस क्या बोल सकते हैं, अगर हम ए की पावर एन करेंगे तो एन ए आएगा माइनस। आगे बढ़ो, जैसे हम क्या करें, ए स्क्वायर में यहाँ पे 1i, यहाँ पे ए क्यूब में 2i, ए की पावर 4 में 3i, तो ए की पावर 4 में क्या आएगा, n - 1 × i। ये हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया जहाँ पे n 2 या 2 से ग्रेटर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे अगर आपको ए की पावर 100, ए की पावर 7, ए की पावर 19 कुछ भी निकालना हो, तो उसके हिसाब से आप सेम ये पैटर्न ऑब्जर्व करके अपना आंसर लिख देंगे। तो इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करके ही पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए? देखो, हम 100 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। हमें ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, 1 1 1 1, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 1 के साथ। तो देखो क्या ये 2 2 2 2 आ जाएगा, बस ये देख लो। तो इसी में अगर हम 2 कॉमन करें तो इसको हम 2a लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये देख लो, बोलो भाई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2a आ गई। अब जैसे आप ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, यानी कि 2a × a करेंगे, हाँ या ना? यानी 2a² होगा, यानी कि 2 × 2a होगा, तो ये 2² × a हो जाएगा। ऐसे जब आप a की पावर 4 करेंगे तो आप क्या करेंगे, a³ × a करेंगे, यानी कि 2² a² हो जाएगा, यानी 2³ a हो जाएगा। अब पैटर्न ऑब्जर्व करके सेम एज अगर हमें a की पावर 100 लिखना होगा तो क्या हम इसको 2 की पावर 99 × a लिख देंगे? क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, बताओ? क्या ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए कि नहीं, हम ये बताइए। तो जैसे एक हिंट तो मैं देता हूं, जैसे मान लो हमें क्यू की पावर 2005 तक जाना है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्यू दिया हुआ है PAP ट्रांसपोज, सही है ना? तो सबसे पहले हमें क्यू स्क्वायर डिस्कस करना पड़ेगा, तो PAP ट्रांसपोज को हमें PAP ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमें पी और पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, सही है ना? तो अब पी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो साइड में हम पी और पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लें। तो पी ट्रांसपोज अगर आप देखोगे तो आपने क्लास क्लास में पढ़ा था ना, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम इंटरचेंज, तो √3/2 - 1/2 और 1/2 √3/2। अब हम जरा पी ट्रांसपोज और पी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप पी ट्रांसपोज और पी को मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 - 1/2 / 1/2 एंड √3/2, ये हो गया पी ट्रांसपोज, एंड √3/2 - 1/2 / -1/2 एंड √3/2, ये हो गया पी। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो 3/2 + 1, 3/4 + 1/4 1 एंड √3/4 - √3/5 0 0 और 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बना देगा। अब जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि पी और पी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई बन रहा है, तो इसकी जगह हम आई लिख देंगे, तो हमें ये मिलेगा पी ए स्क्वायर बाई आई इंटू पी ट्रांसपोज। तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि क्यू स्क्वायर ये आ रहा है। अच्छा, अब हम निकालते हैं क्यू क्यूब। जैसे आप क्यू क्यूब करोगे तो क्यू स्क्वायर में क्यू मल्टीप्लाई करोगे, तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज में फिर से पी ए पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, पी पी ट्रांसपोज को फिर से आई लिख दोगे, तो ये पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज आ रहा है। अब हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब क्यू स्क्वायर था, सही था, जब क्यू था तो ए आ रहा था, जब क्यू स्क्वायर था ए स्क्वायर हो गया, जब क्यू क्यूब था तो ए क्यूब हो गया। अब सोचो अगर ये क्यू की पावर 2005 तक जा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, पी ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज आया, एक हर्डल तो खत्म हो गया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अब एक्चुअल में जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी कैलकुलेट करनी है, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 इंटू पी की। अब क्यू की पावर 2005 की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा पी ए की पावर 2005 पी पी ट्रांसपोज। अच्छा, पी पी ट्रांसपोज की वैल्यू हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं आई है, ये प्रोडक्ट आ गया ए की पावर 2005। यानी अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी ये ए की पावर 2005 के बराबर आ गई। अच्छा, ए आपको दिया हुआ है और उसकी हेल्प से आपको ए की पावर 2005 निकालना है, तो फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ए आपको दिया हुआ था 1101, देखो, तो यहां से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, तभी तो पैटर्न मिलेगा। 1101 इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1101 से, बोलिए तो ये रिजल्ट क्या आएगा, वन पहला तो टर्म शायद वन ही बनेगा, अगला टर्म जीरो बनेगा, 1201 देखो ये आ रहा है। अच्छा, ए क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा, 1201 इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से 1101 से, तो शायद ये 1031 आ रहा है। देखो इतना ही मल्टीप्लाई करके आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे कि नहीं, तो सेम एज भाई बहुत ज्यादा ए की पावर 4 तक जाना पड़ेगा, बट ए क्यूब के बाद आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 101 तो सेम ही चल रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2005, यही आपका आंसर आ गया 1 2005 0। दिखा कि नहीं बताओ भाई। तो अब देखो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर यूज है कि नहीं, सबसे पहले हमें क्यू दिया था और हमें पी ए की पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 पी निकालना था, सबसे पहले हमें क्यू की पावर 2005 निकालना पड़ा, तो क्यू स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया उसमें पी ट्रांसपोज पी आया, तो हमने पी और पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वहां से हमें ये आई मिल गया, तो अब ये हर्डल खत्म, जहां भी हमें पी पी ट्रांसपोज मिला उसकी जगह में आई रख देंगे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, फिर क्यू क्यूब ऐसे ही निकाला तो ए क्यूब आ गया, तो हमने यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व किया क्यू की पावर 2005 में पी पी ट्रांसपोज, तो ऐसे ही रहेगा बस ए की पावर 2005 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, जैसे हमने यहाँ रखा पी पी ट्रांसपोज को हमने फिर से क्या कर दिया आई कर दिया, तो ये ए की पावर 2005 मिल गया। अब ए हमें पता ही था, वहां से हमने ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के ए की पावर एन ऑब्जर्व करके ए की पावर 2005 निकाल दिया, यही हमारा आंसर हो गया। दिखा गया, तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर यूज है, क्लियर हुआ। ट्रांसपोज का मतलब भी मैंने आपको सिखाया है। तो ए का ऑर्डर 3x4 है, मान लेते हैं बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू होगा, अरे हाँ या ना, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा जल्दी बताओ, बोलो 4 × 3 4 × 3 4 × 3, गुड। बी ट्रांसपोज चाहिए क्या कहीं पे, नहीं चाहिए। चलो अब आओ, अगर हमें ए ट्रांसपोज बी डिफाइन करना है तो इसका मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो, मतलब ये वाला जो थ्री है वो पी के बराबर होना चाहिए, अरे हाँ या ना, यस सर यस सर। और अगर हमें बी ए डैश डिफाइन करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ, यानी ये वाला क्यू जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए, बोलो बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3x4 होना चाहिए, खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, रो और कॉलम के हिसाब से आप ये सीधा उठा के लिख सकते हैं, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो मैट्रिक्स एम इस टाइप की अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी,
डी ई एफ जी एच आई और इन्हीं सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाल देते हैं भाई। ये 3x3 हमने मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक बार आपने 3x3 मैट्रिक्स अज्यूम की, इसके बाद आप सारी वैल्यूज उठा के निकाल सकते हैं। बोलो, तो इसी m को आप 0 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहला रिजल्ट -1 2 3 मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं? तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 0 1 0 है ना, तो अल्टीमेटली ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो मल्टीप्लाई होके 3x1 ही आएगा। अरे हाँ या ना, तो बी ई जी तो आएगा। बोलो, कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू -1, ई की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ये बताओ, अरे बोलो यार, क्या ये बात आपको समझ में आई? बस तो अब इसके बाद अगले स्टेप में m को जब आप 1 -1 0 से मल्टीप्लाई करोगे और ये रिजल्ट 1 1 -1 आना चाहिए, तो अब इक्वेशंस क्या बनेगी? a माइनस बी जो है वो क्या बन जाएगा? 1। d माइनस ई जो है वो भी 1। अरे हाँ या ना, और g माइनस एच जो है वो -1 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको b पता है, बोलिए तो a की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं? देखते जाना, D की वैल्यू 3 आ जाएगी और G की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2। चेक करो जरा, अरे हाँ या ना। इसके बाद इसी मैट्रिक्स M को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1 1 1 के साथ, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 0 0 12। अब जैसे 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, डी प्लस ई प्लस एफ, देखते जाइएगा, और G प्लस एच प्लस आई, ये 12 आ जाएगा। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, A और B रखोगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, 1। D और E रखोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। अरे हाँ या ना, G और H रखोगे तो I की वैल्यू 7 आ जाएगी। चेक करना जरा, तो अगर हम मैट्रिक्स M की बात करें तो क्या आ रहा है बताओ? A B C D E F फिर G H और I, समझ में आया कि नहीं? तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना आ गया? बोलिए, 9। देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बस ये बताओ मुद्दे की बात। तो ये प्योरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं बताओ? दिखने में इतना कैलकुलेशन डरावना सा लग रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल एक मैट्रिक्स एम अज्यूम करनी है और नॉर्मल मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके एलिमेंट निकाल देने। हाँ या ना, बोलिए भाई। यस सर। एक बार आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स निकाल दी, फिर आपको जिसमें से जो एनालिसिस चाहिए वो तो आप आराम से कर ही सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालना हो या कुछ भी आपको अब इस मैट्रिक्स का यूज करना हो तो वो आप एनालिसिस में यूज कर ही सकते हैं। इक्वेशन देखिए, एकदम मल्टीप्लिकेशन से सिंपलीफाई करके बनी रही थी। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्ड एलिमेंट आप इक्वल करते ही हैं, तो बस वही चीजें आपने कंपेयर करके इक्वल करते चले गए, सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब देखिए, इसमें अगर आप इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए ध्यान से ऑब्जर्व करो, सही है ना, तो क्या हम इस मैट्रिक्स को ये लिख सकते हैं? जरा देखना, 0 0 0, ध्यान देना, 4 0 0 16 4 0 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख लो जरा ध्यान से। अरे हाँ या ना, ये लिख सकते हो कि नहीं? बस ये चीज ऑब्जर्व करो जरा, बोलो। अब देखिए, इससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये समझ में आया? मैंने देखा, बोलो भाई। भाई ये 1 1 1 थे डायगोनल एलिमेंट में, बस हमने इन्हीं को उठा के यहाँ रख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो डायगोनली तो चेंज होंगे, बाकी तो सारे सेम आ जाएंगे। बोलो भाई, अब हम इस वाली मैट्रिक्स को एक नई मैट्रिक्स का नाम दे दे रहे हैं ए। इस मैट्रिक्स को हम नया नाम दे दे रहे हैं क्या? ए। 0 0 0 4 0 0 16 4 0 नाम दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ए स्क्वायर निकालो जरा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो 0 0 0 4 0 0 16 4 0, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0 4 0 0
16 4 0 से, तो क्या आएगा रिजल्ट में जरा बताना मुझे जल्दी से। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लेंगे तो पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा वाला 16 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, नहीं दूसरा वाला भी 0 ही हो जाएगा ना, देखिए जरा 0, फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा, फिर 0 4 0 0 4 0 0 4 0, अगला वाला 16 होगा, देखना जरा, फिर 0 0, फिर 0 0 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला 0 ही आएगा, 0 0 4 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 0 4 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा, देखते जाइएगा, फिर 0 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये 0 0 0 आएगा ही, दिख रहा है कि नहीं। और अगली बार जैसे आप ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर में फिर से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, ए का, तब ए स्क्वायर ये रहा, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट आएगा 0 4 16 0 4 16 0 4 16 0 4 16, फिर 0 अगली बार 0 0 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 4 0 0 4 0 0 4, फिर अगली बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा, यानी ए क्यूब की वैल्यू ओ आ जाएगी। क्या ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखा, ये बताओ। अच्छा अब इस ऑब्जर्वेशन का फायदा क्या है, अगर हमें सपोज पी की पावर 50 निकालना है, सही है हाँ या ना, और हम इसको लिख दें आई प्लस पी और आई प्लस ए, मैट्रिक्स हमने ए मान लिया ना, और आई प्लस ए की पावर 50। अच्छा अब याद है ए और आई दोनों कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, तो इसकी पावर 50 हम सीधा ओपन करेंगे तो पहला बनेगा 50C0 आई की पावर 50, तो आई हो जाएगा, प्लस 50C1 ए आई की पावर 49, वो तो आई हो जाएगा, और इसके बाद आएगा 50C2 ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब के आगे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ओ ओ ओ ओ ओ, तो वो सारी मैट्रिक्स ओ ओ ओ बनती चली जाएंगी, हाँ या ना, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सारी मैट्रिक्स क्या बना देगा ओ। अच्छा 50C0 का मतलब हो गया 1, तो ये आई बन गया, ये बन गया 50 into A, ये बन गया 50 into 49/2 into A square, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अब जैसे ही आप सारी मैट्रिक्स की वैल्यू उठा के रखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ ए, ए मतलब 0 0 0 4 0 0 16 4 0 और 25 into 49 कर दो, जरा ऐसे छोड़ दो 25 into 49 और ए स्क्वायर रख दो उठा के, ए स्क्वायर क्या है 0 0 0 0 0 0 16 0 0, ये p की पावर 50 आ गया, हाँ या ना, जिसे हमने क्या लिख दिया है बताओ, q प्लस i, जिसे हमने क्या लिख दिया है भाई q प्लस i। अच्छा अब i से ये वाला i कैंसिल हो गया, देख लेना आराम से भाई, हाँ या ना, तो जो q मैट्रिक्स आ गई आपकी, जो आपकी q मैट्रिक्स आ गई वो आपको मिल गई क्या 50 टाइम्स ऑफ a प्लस 25 into 49 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, यहां तक ओके हो, ये बताओ भाई। अब इसी मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट निकालने, पहला एलिमेंट चाहिए Q31, यानी कि Q31 क्या हो गया बोलो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट चाहिए हमें, अरे हाँ या ना, तो Q31 की वैल्यू कितनी आ गई 50 into 16 प्लस 25 into 49 into 16, इसके बाद हमें चाहिए Q32 यानी सेकेंड वाला एलिमेंट, तो 50 into 4, अरे हाँ या ना, इसके बाद हमें चाहिए Q21, तो वो क्या हो गया 50 into 4, आप सीधा उठा के वैल्यू रख के सीधा सिंपलीफाई कर देंगे। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, मुद्दे की बात ये समझ, बोलिए क्या ये कैलकुलेशन पूरा क्लियर हुआ सबको, अरे हाँ या ना, क्या किया क्यों किया ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट बन रहा हो तो अपनी बात रख सकता है, बोलिए भाई, पूरा कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ ना, कहां पे क्यों और क्या चीज क्यों की गई और किस वजह से क्या चेंज हुआ, ये आई प्लस ए का यूज समझ में आया कि नहीं। यस सर, वो बताया था ना आई प्लस ए का यूज, क्योंकि इसमें क्या था,
ये 111 यहाँ पे एकदम डायगनली दिख रहे थे, तो जैसे ही वो डायगनली 111 दिखे तो हमने वो 111 सेपरेट कर लिया, बस ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। तो उससे हमने ए अलग किया, ए स्क्वायर किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 000 इतने सिमेट्रिकली आ रहे थे कि एक मल्टीप्लीकेशन के बाद ये ओ बनना ही बनना था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जैसे हमने देखा ए क्यूब के बाद ओ आ गया, तो अब आगे जितने भी मल्टीप्लीकेशन में इस एक्सपेंशन में जो आगे के सारे टर्म्स आएंगे उसमें ओ मल्टीप्लाई होगा। और आपने पढ़ा था ओ को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको क्या दे देगा, वो ओ। तो इसके बाद के सारे एलिमेंट तो ओ ही बन जाएंगे, मतलब सारी मैट्रिक्स ओ बन जाएंगी, और उसके बाद बचे हुए में सीधा सिंपलीफाई कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये बताओ। अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ भाई। अरे हाँ या ना? यस सर। तो बस अच्छा, अगर आप डायरेक्ट, वैसे इस क्वेश्चन में आप एक पैटर्न डायरेक्ट भी जा सकते हैं पीजी पावर 50, बट उसमें फिर वो सिमेट्रिकली पैटर्न ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। इसमें क्या है, पैटर्न ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, आपको इनको मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट कंपेयर करके निकालने, तो हम वो सिर्फ एलिमेंट कंपेयर करके निकाल देंगे, इसके बाद सीधा वैल्यू रख के आंसर लिख देंगे। तो मान लो आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, सबसे पहले ट्रांसपोज की बात करते हैं, ठीक है ना, कि ट्रांसपोज में क्या प्रॉपर्टी। मान लो एक मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम, सेम ऑर्डर की ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन। और एक मैट्रिक्स बी ले लो, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो पहला, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, माइनस भी लगा दोगे तो माइनस हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज होती है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाता है। ए बी का अगर आप ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। ओके अच्छा, अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज ले लें तो वही मैट्रिक्स ए आ जाती है। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स को एन बार मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, सही ना, एम बार, तो वो ए ट्रांसपोज की पावर एम आ जाता है, यहाँ पे एम कोई भी नेचुरल नंबर है, हाँ या ना, सही है। अच्छा, आई का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो ऑब्वियसली आई आएगा, बोलिए, सही है ना। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी समझ में आई सबको, अगर मैट्रिक्स एड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सेम ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए, यानी ए और बी, ए का प्री मल्टीप्लाई है तो अब बी का हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ही बन जाएगा। ए किसी मैट्रिक्स को एम बार मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ट्रांसपोज को एम बार मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो आई आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ट्रांसपोज की बात, बोलिए। अरे हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद हाँ सर, अगर मैं ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा था कि नहीं, याद है? ट्रेस का मतलब समझते हो ना, क्या था, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट। मतलब अगर आपने एक मैट्रिक्स ली है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो ट्रेस ऑफ ए आपने क्या कहा था, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, याद है कि नहीं भाई? तो अब देखो, अगर हम ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी की बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। ऑब्वियसली ए के डायगनल एलिमेंट में बी के डायगनल एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनके ट्रेस भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, अगर किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सही है ना। ऑब्वियसली अगर किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोज लेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ के तो वैसा ही वैसा रहेगा, और के फिर बाहर करेंगे तो वो सीधे सीधे के बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ट्रांसपोज में के बाद ट्रेस में अगला रिजल्ट है कि अगर हम ट्रेस ऑफ के इंटू ए लें, है कि नहीं, तो वो रिजल्ट में क्या देगा, के पूरा पूरा बाहर आ जाएगा और ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर हो रही है कि नहीं बताइए। अच्छा, इसके बाद अगर हम ट्रेस ऑफ क्या ले लें, ए ट्रांसपोज इंटू ए ले लें, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ले लें, तो इसका जो ट्रेस होता है ना वो आ जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ
ऑल एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ए ट्रांसपोज और ए का अगर आप ट्रेस लेंगे तो जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर आ जाएगा, उसके स्क्वायर का सम आ जाएगा। इसका यूज एक्चुअल में मतलब एज अ ट्रेस कभी यूज नहीं हुआ है, बट अगर ए ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करके आप उसके डायगनल एलिमेंट कलेक्ट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेट ट्रेस ही कर रहे होंगे, तो उसका मतलब हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट। मतलब उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे मतलब अगर आपको ए मैट्रिक्स में लिख के दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ठीक है ना, और आपसे मैं कहूं कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ए बताओ, तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर, ये है इसका मतलब। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना। अच्छा, बाकी ट्रेस में अगर आप आई का ट्रेस निकालो तो एन हो जाता है, अगर आप आई एन की बात कर रहे हो, है कि नहीं। अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वन 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 सारे एलिमेंट आएंगे, उसके हिसाब से आप ट्रेस लोगे तो आई एन बन जाएगा। मेरी बात समझे? यानी अगर मैट्रिक्स एड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका ट्रेस भी एड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके ट्रेस में भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए ट्रांसपोज और ए का अगर आप ट्रेस ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। अरे हाँ या ना। और अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसका ट्रेस ले रहे हैं तो एन के बराबर आ जाएगा, इससे ज्यादा ट्रेस का यूज नहीं आएगा। सही है ना? अब आइए अगला जो सेक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ, वैसे तो ये अभी बाद में आएगा लेकिन इस अभी जो बेसिक जितना हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से इसको कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो हम अलग से देखेंगे, अभी हम वो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में यूज होती है ना। जैसे आपने कहा कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। आपने ए मैट्रिक्स लिया तो उसका डिटरमिनेंट तो आप सीधा कोफैक्टर, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उसका डिटरमिनेंट तो निकाल ही देंगे। अब मैंने कहा आपने उस मैट्रिक्स को, सॉरी दो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई की, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और फिर आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला है, इसको डेट लिख देते ना। सही ना? मतलब डेट ऑफ ए का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ए और डेट ऑफ बी का मतलब हो गया डिटरमिनेंट बी, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट होता है वो जाता है डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये। मैट्रिक्स जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, सही है, तो उनका डिटरमिनेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। दूसरा, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डिटरमिनेंट लिया तो ऑब्वियसली उसका डिटरमिनेंट जो है वो भी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट लिया तो कोई फर्क नहीं है, वही सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट, अगर आपने किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डिटरमिनेंट लिया तो के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मैट्रिक्स में हम के मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हर रो या हर कॉलम से के बाहर आएगा ना, तो के टू द पावर एन, जहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन है, इनटू डिटरमिनेंट ही आता है। ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे। बाकी अभी इनवर्स के टाइम पे प्रॉपर्टीज आएंगी तो हम उनको भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, सबसे पहले आपको सिंपल सी मैट्रिक्स लिख लेनी होगी, इसके बाद आराम से सिंप्लीफाई कर देना होगा। याद है आपको बी आई जे के हिसाब से, आई और जे के हिसाब से आपने मैट्रिक्स लिखनी सीखी है। तो अगर आप क्यू मैट्रिक्स लिखोगे, कितने, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की है ना। बोलिए भाई, आई और जे की वैल्यू थ्री तक तो जा रही है, तो बी वन वन क्या होगा, टू की पावर वन प्लस वन। अरे हाँ या ना। बी वन टू क्या होगा, टू की पावर थ्री, फिर टू की पावर फोर, देखते जाइएगा क्या सही लिख रहा हूं मैं, फिर टू की पावर थ्री, फिर टू की पावर फोर। अरे हाँ या ना। फिर टू की पावर शायद फाइव आएगा क्या, देखो, फिर टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव एंड टू की पावर सिक्स, क्या यही एलिमेंट आएंगे, बोलो जरा।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इस वाली हमें क्या चाहिए इसमें, इसका डिटरमिनेंट चाहिए ना, तो इस वाली रो से क्या कॉमन आ रहा है बोलो, पहले तो सबसे क्या कॉमन आ रहा है, क्या टू स्क्वायर सबसे कॉमन आ रहा है ये बताओ, बोलिए भाई। अरे हाँ या ना। अब अगर हम जैसे ही बात करें डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की, क्योंकि हमें क्यू का डिटरमिनेंट ही निकालना है, हाँ या ना, और हमें पी का डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, और हमें क्यू का, तो क्यू का डिटरमिनेंट बना लो, तो टू स्क्वायर ए वन वन, टू क्यूब ए वन थ्री, टू की पावर फोर ए वन थ्री, वन टू ए, फिर टू क्यूब ए टू वन, टू की पावर फोर ए टू टू, टू की पावर फाइव ए टू थ्री, फिर टू की पावर फोर ए थ्री वन, टू की पावर फाइव ए थ्री टू, टू की पावर सिक्स ए थ्री थ्री। अच्छा, अब डिटरमिनेंट के बारे में एक चीज तो आपको पता है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बोलो, टू स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, टू क्यूब, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, टू की पावर फोर, ये बात समझ में आई, तो टू स्क्वायर टू क्यूब टू की पावर फोर तो कॉमन आ ही गया। अच्छा, जब आपने यहाँ से टू स्क्वायर कॉमन किया होगा तो यहाँ टू स्क्वायर बचा होगा, यहाँ टू स्क्वायर बचा होगा, यहाँ टू और यहाँ टू स्क्वायर बचा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से टू स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, अरे हाँ या ना, और यहाँ पर ये p का डिटरमिनेंट बच रहा है कि नहीं बोलो। अच्छा, p का डिटरमिनेंट खुद टू है, बोलिए, तो फोर फोर एट ट्वेल्व, तो यह क्या टू की पावर थर्टीन आ गया, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, मेरी बात समझे कि नहीं, क्या हुआ और क्यों हुआ बताओ। सबसे पहले हमने इस वाली रो से टू स्क्वायर कॉमन किया, टू क्यूब कॉमन किया, टू की पावर फोर कॉमन किया, जब यहाँ से टू स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ टू स्क्वायर बचेगा, यहाँ टू स्क्वायर बचेगा, यहाँ टू और यहाँ टू स्क्वायर बचेगा, ये बात समझे कि नहीं। अब इस वाले कॉलम से टू और इस वाले कॉलम से टू स्क्वायर और कॉमन आ गया, तो अब टू टू सारे हट गए और ये पी वाला ही डिटरमिनेंट बच गया कि नहीं, और पी का डिटरमिनेंट हमको टू दिया हुआ है, तो क्यू का टोटल डिटरमिनेंट टू की पावर थर्टीन आ गया कि नहीं। सबसे पहली चीज जिस पर रेट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बस वर्ड है, कहीं लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए, और क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, और आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ए का मतलब हो गया, डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे उस मैट्रिक्स का, तो अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो आप कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए वो आपकी सिंगुलर है, सही ना। और अगर आपने डिटरमिनेंट ए निकाला और वो जीरो नहीं आया, तो जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, सही है ना। मतलब अगर डिटरमिनेंट ए आप निकालें और वो जीरो आ जाए तो आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और वो जीरो नहीं आया तो आपकी मैट्रिक्स हो गई नॉन सिंगुलर, बस सिंपल एंड स्ट्रेट। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वर्ड का सिंपल इतना मतलब होता है, अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं वो जीरो आ गया तो सिंगुलर हो जाती है, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और वो जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर हो जाती है, इससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं होती। आप सीधा के लिखा है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसको उठा के जीरो कर देंगे, बस। अब डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का आप निकाल ही लेंगे, उस मैट्रिक्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जीरो कर देंगे, बस। इससे ज्यादा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का यूज नहीं है। तो सीधा डिटरमिनेंट आपने इसका निकाला होगा, अब डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे ना, थ्री माइनस एक्स इन ब्रैकेट फोर माइनस एक्स और माइनस वन प्लस एक्स और शायद प्लस का फोर, फिर माइनस टू, टू इंटू माइनस वन माइनस एक्स और प्लस का टू और फिर टू, देख लीजिए आराम से, माइनस एट प्लस का टू फोर माइनस एक्स, इसी को उठा के जीरो कर दीजिए और एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ रही है, क्या आ रही है जल्दी बताओ, समझ गया कि नहीं भाई, जीरो और थ्री आ रही होगी, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए मुझे, हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली जो बात आती है, मतलब एक रिजल्ट है जिसका यूज हो जाता है, कि अगर
ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उसका प्रोडक्ट ओ दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू ओ, तो हम कहते हैं देन, मतलब इसका आउटपुट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसका आउटपुट कई जगह यूज होता है, देन एटलीस्ट वन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज सिंगुलर। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब दोनों में से कम कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी ही होगी। समझ में आया? मतलब दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होंगी मैं ये नहीं कह सकता, दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी मैं ये भी नहीं कह सकता, बट दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स कम से कम सिंगुलर होगी ये श्योर शॉट है। क्यों? आपने पढ़ा है ना कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ओ होगा। अच्छा, ओ का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी ओ होगा। अच्छा, दो डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, अब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी जीरो होगा। मतलब दोनों में से कोई एक तो कम से कम जीरो होगा ही, ऑब्वियसली अगर एक जीरो होगा तो कोई एक मैट्रिक्स तो सिंगुलर होगी। यही एक स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब अगर ए बी ओ के बराबर लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए ओ है या बी ओ है ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि ए बी में से कम कोई एक ओ है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नल मैट्रिक्स ना हो फिर भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, ये पॉसिबल है। बट दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर जब तक नहीं होगी तब तक उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो उसको जीरो मैट्रिक्स बनने के लिए दोनों में से कम किसी एक मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मेरी बात समझ पा? देखिए, अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया और वही मैट्रिक्स आ गई, तो आप उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज का मतलब हुआ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब आई और जे की सारी वैल्यूज के लिए ए आई जे और ए जे आई बराबर होना चाहिए, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो सिमेट्रिक होती है। अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और एक माइनस कॉमन आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। समझ में आया? यानी किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक होगी, किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और माइनस कॉमन आ गया तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। वही मैट्रिक्स आएगी जब ए आई जे और ए जे आई बराबर होंगे, समझ रहे हो? और माइनस कॉमन तब आएगा जब ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा। तो अगर हमें ये चेक करना है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक है। अगर हमें ये चेक करना है कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप उसी का ट्रांसपोज ले लीजिए, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 2 3 2 4 1 3 1 5, अब ये रहा डायगनल एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो यानी कि सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या हुआ कि डायगनल के अबाउट एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में दिए हो, ऑब्वियसली तभी आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये सब उठ के इधर आ जाएंगे और ये मैट्रिक्स वही सेम आ जाएगी, हाँ या ना? अच्छा, यहीं पे अगर एलिमेंट अपोजिट साइन के हो, दिख रहा है, और डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली ए आई जे माइनस ए जे आई करोगे तो ए आई आई की वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी? जीरो। तो अगर डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हो और ए आई जे ए जे आई के बराबर आ रहा हो, मेरी बात समझिए, तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेक करने का तरीका एकदम सिंपल है, आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक है, अगर माइनस कॉमन आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है, बस इससे ज्यादा का रोल नहीं है। सही है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, बोलिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं? ये पहला रिजल्ट है, डायगनल एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? जैसे हमने कहा कि ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है कि नहीं, और आपने कहा कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है क्योंकि मैट्रिक्स ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सही है ना?
तो इसका मतलब अगर मैं डायगनल एलिमेंट की बात करूं तो इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई होगा, तो इसका मतलब ए आई आई की वैल्यू सर्टेनली क्या होगी, जीरो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होते हैं, और अगर एन क्रॉस एन ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। इवन में ऐसा नहीं होता है, ऑड ऑर्डर में ही ऐसा होता है। तो ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने आए, आपको उसका डिटरमिनेंट निकालने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं, सीधा जीरो लिखना है। बस यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। देखते हैं इस टेबल मैंने क्या लिखा। मैंने कहा ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, सही है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमेशा सिमेट्रिक होता है। अगर दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। समझ में आया? दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हैं तो उनका सम भी सिमेट्रिक होता है, उनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक होता है। दो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक हैं दोनों, तो उनका सम और डिफरेंस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब ये बात जस्टिफाई कैसे होती है कि हाँ भाई ये टेबल में चीज लिखी है? तो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको सिर्फ ये चेक करना हो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे अगर हमसे ये कहा गया कि ए इज सिमेट्रिक, देखिए टेक्निक क्या है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा, अरे हाँ या ना? और अगर B इज सिमेट्रिक, तो B ट्रांसपोज भी B होगा। चेक करने के लिए काम सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब आपको चेक करना है A प्लस B का नेचर, तो मान लो ये C है, C का ट्रांसपोज ले लो, तो वो A प्लस B का ट्रांसपोज आएगा। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, तो ये C आ गया। इसका मतलब सी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, सी के। तो सी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक, बोलिए। चेकिंग समझ में आई कि नहीं आई? तो इस टेबल में चीजें कैसे चेक हो रही है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं, बोलो। अब अगर ये इसकी सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। तो ये जैसे इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? तो ये अल्टीमेटली समझना ये है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस सिमेट्रिक, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलिए भाई। अच्छा, अब मान लो यहीं पे हमें चेक करना हो कि ए और बी सिमेट्रिक है। अब हमने एक सी मैट्रिक्स ली ए बी प्लस बी ए, सही है ना? इसका नेचर क्या है, और दोनों मैट्रिक सिमेट्रिक हैं, तो ऑब्वियसली सी का ट्रांसपोज लोगे तो आएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। नहीं समझ रहे? अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, बी ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए और बी है, इसी को हम लिख देंगे ए बी प्लस बी ए, यही मैट्रिक्स सी आ जाएगा। इसका मतलब सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बोलो, सी के। तो यहीं पे सी मैट्रिक्स क्या आ गई, बोलो भाई, सिमेट्रिक आ गई कि नहीं, अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यहाँ पे सी मैट्रिक्स क्या आ गई भाई, सिमेट्रिक आ गई, बोलिए भाई। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं सबको? तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो बस उसका उठा के ट्रांसपोज ले लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे आप उसका ट्रांसपोज लोगे, अगर वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक होगी, अगर वही मैट्रिक्स नहीं आई तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मतलब सी ट्रांसपोज अगर सी आ गया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस सी आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये टेबल क्लियर हो रही है सबको, बोलो? तो अब जैसे आपको ए और बी दोनों सिमेट्रिक दी हुई है कि नहीं, तो ए बी प्लस बी ए सीधा ट्रांसपोज लेके चेक कर लो, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर दोनों इसकी सिमेट्रिक दी हुई है तो चेंज क्या आ रहे होंगे वो चेक कर लो, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगता चला जाएगा, सही है ना? जैसे अब मान लो मैं यहीं पे आपसे चेक करने को कहूं कि ए जो है वो सिमेट्रिक है और बी जो है वो इसक्यू सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी होगा। अब मान लो आपको एक मैट्रिक्स चेक करनी है ए बी माइनस बी ए, ठीक है, तो आप सी का ट्रांसपोज लोगे तो आएगा ए बी का ट्रांसपोज
माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अच्छा इसको आप लिखोगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको आप लिखोगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अच्छा बी ट्रांसपोज माइनस बी है और ए ट्रांसपोज ए है। अब ये रिजल्ट आ गया ए बी माइनस बी ए, मतलब सी आ गया, यानी सी ट्रांसपोज सी आ गया, तो सी कैसी मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक। कैसे चेक कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। तो अब देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, बी ए सिमेट्रिक था, ए स्क्यू सिमेट्रिक था, तो ए बी माइनस बी ए कैसा आ रहा था, सिमेट्रिक। हाँ भैया, रिजल्ट टेबल में कैसे लिखे जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। सिंपल लॉजिक आपको करना है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, अगर वो वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक, अगर माइनस साइन के साथ आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक, बस इससे ज्यादा इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स में आप k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमेट्रिक है तो k मल्टीप्लाई करने पे वो सिमेट्रिक ही रहेगी, हाँ है ना, अगर उसकी पावर n कर रहे हैं तो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और उसमें आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं। बट अगर आप उसमें पावर n कर रहे हैं और n कैसा इवन है, तब तो सिमेट्रिक आ जाएगा, और अगर n ऑड है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर a की पावर n आप कर रहे हैं, मतलब a को n टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का नेचर उसमें लगा रहे हैं, बोलिए, तो अगर n इवन है तब तो वो सिमेट्रिक आ जाएगा, क्योंकि तब माइनस साइन बाहर नहीं बचेगा ट्रांसपोज लेने के बाद। बट अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो वो माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। बट अगर सिमेट्रिक है तो एक की को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा सिमेट्रिक रिजल्ट रहेगा, क्योंकि सबसे वो माइनस 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 सेम साइन बना रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ में आया। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये टेबल सबको क्लियर हो गई, बोलिए। सिंपल, किसी मैट्रिक्स को अगर ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक, अगर वही मैट्रिक्स माइनस के साथ आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक, अब जहां जैसा नेचर दिया उसके साथ। देखिए, अगर ए मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है तो ए की पावर 50 भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, अगर बी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी की पावर 19 कैसा होगा, माइनस कॉमन ऑड है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। अब ये तो मिल गया हमें इंफॉर्मेशन। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने सी मैट्रिक्स को 20, ए की पावर 50, बी की पावर 19 माइनस 20, बी की पावर 19 और ए की पावर 50 मान लिया, अरे हाँ या ना, बोलिए। तो अब जरा हम सी का ट्रांसपोज ले लें, तो ये 20 बी की पावर 19 का ट्रांसपोज और ए की पावर 50 का ट्रांसपोज आएगा, मतलब सारा हमने ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेके बता रहा हूँ आपको, ए की पावर 50 का ट्रांसपोज और बी की पावर 19 का ट्रांसपोज आएगा, बोलिए। अच्छा, b की पावर 19 का जो ट्रांसपोज होगा, चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक माइनस बाहर आएगा और ये सेम ही रहेगा, तो ये माइनस 20 b की पावर 19 a की पावर 50 हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये कैसा है, सिमेट्रिक है a, और a की पावर 19 स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ से भी एक माइनस बाहर आएगा, 20 a की पावर 15 b की पावर 19 आ जाएगा, यानी कि ये c के बराबर आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ गई, हाँ या ना, बोलिए। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ गई, बोलिए। यस सर। इससे ज्यादा सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में चेक करने को नहीं आता। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, रुको जरा, ये पावर से रिलेटेड था, इसमें आपको बस ये चेक करना था कि कौन सी मैट्रिक्स, ये जैसे ये था, चेक करिए जरा, मैंने बताया ना स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में इससे ज्यादा बड़ा वेरिएशन जनरली नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा क्या होगा कि वो एडजॉइंट और इन सब को लेकर रोल कर लेगा, तो वो जब एडजॉइंट और अभी हम सीखेंगे तो वो सब हम समझ लेंगे, इससे ज्यादा का यूज इसमें नहीं आएगा। देखिए जरा, अभी
देखिए जरा ये क्वेश्चन, हाँ भाई हो रहा है कि नहीं बताओ, सही है? तब सिंपल क्या करोगे, अगर x जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, सही है, तो x की पावर 44 कैसा होगा? सिमेट्रिक, अभी तो पढ़ा आपने। और x की पावर 4 कैसा होगा? सिमेट्रिक। बट x की पावर 23 कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, y अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो y क्यूब यूज है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। y की पावर 44 कैसा हो जाएगा भाई? सिमेट्रिक। अरे हाँ या ना, और क्या यूज है? y की पावर 23 कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, z में कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर z आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो z की पावर 4 लो वो भी सिमेट्रिक, एंड z की पावर 3 लो वो भी सिमेट्रिक, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ओके हो? बोलिए। अरे हाँ या ना। अब ए ऑप्शन चेक करो, वाई क्यूब कैसा है? बोलो भाई, वाई क्यूब जेड की पावर 4, वाई क्यूब कैसा है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। और जेड की पावर 4 कैसा है आपका? सिमेट्रिक। तो वाई क्यूब जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई क्यूब कैसा होगा, बस ये आपको चेक करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो अब ऐसे समझ लो, ये ए और बी हो गए, तो हमें ए बी माइनस बी ए पे कमेंट करना है। अरे हाँ या ना, तो सी का ट्रांसपोज ले लो, तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दिख रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, बी का ट्रांसपोज तो ये वाला बी है, तो वो बी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? माइनस ए, ये आ जाएगा ए और बी, तो ये ए बी माइनस बी ए आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ गई, जबकि हमें वो ऑप्शन बताना है जो इसकी सिमेट्रिक है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ऐसे बी ऑप्शन चेक कर लो, एक्स की पावर 44 वाई की पावर 44 दोनों मैट्रिक्स कैसी है भाई? सिमेट्रिक है, तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलिए। अरे हाँ या ना। अब ऐसे इसको चेक कर लो, कर लोगे कि नहीं भाई? बोलिए, x की पावर 4 कैसा है? सिमेट्रिक। और z सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक 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 एंड सिमेट्रिक, जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो ये भी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? बोलिए, x की पावर 4 कैसा है भाई? सिमेट्रिक। z क्यूब कैसा है? सिमेट्रिक। तो दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई? जैसे आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो माइनस माइनस के साथ आ जाएगा कि नहीं, बताओ भाई? पूरे से एक माइनस तुरंत कॉमन आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी कि नहीं, बोलो? नहीं समझे? अरे हाँ या ना भाई, बोलो जल्दी से। यस सर। अच्छा, ये एक्स की पावर 23 कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। वाई की पावर 23 स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ट्रांसपोज लोगे पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी कि नहीं? तो पहली दोनों सिमेट्रिक हो गई, बाद की दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। चेक कर लोगे कि नहीं भाई? ऑड इवन की प्रॉपर्टी के हिसाब से समझ में आया कौन सी मैट्रिक्स क्या होगी, और इसके हिसाब से आराम से टेबल से चेक हो गया कि नहीं, कि कब मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी, कब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो बस ये टेबल के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन जज कर लेनी है, ये टेबल याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, मतलब सीधा ट्रांसपोज ले लेना है, समझ में आया? अब इस मैट्रिक्स की जगह आप एक नई मैट्रिक्स ए लिख दो, इस मैट्रिक्स की जगह नई मैट्रिक्स बी लिख दो, ए आपको पता है सिमेट्रिक है, बी भी आपको पता है सिमेट्रिक है, मेरी बात समझ, और उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर लो। बोलिए भाई, समझ पा रहे होगे कि नहीं? नहीं, मान लो ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते और सीधा ऑप्शन सी चेक करते हैं, है कि नहीं? तो हम एक सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक्स की पावर 4 जेड का क्यूब माइनस जेड का क्यूब एक्स की पावर 4। अच्छा, हमें सीधा इसको चेक करते हैं, तो सी ट्रांसपोज ले लो। अब एक्स की पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर 4 का ट्रांसपोज,
अच्छा ये आएगा जेड क्यूब एक्स की पावर फोर, दोनों का ट्रांसपोज, सॉरी ऐसे नहीं, ये पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज लगा, तो एक्स की पावर फोर जेड क्यूब का ट्रांसपोज माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर फोर का ट्रांसपोज, सही लिख रहा हूं मैं? अच्छा ये जब ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो जेड ट्रांसपोज का क्यूब एक्स ट्रांसपोज की पावर फोर, ये बन जाएगा एक्स ट्रांसपोज की पावर फोर और जेड ट्रांसपोज का क्यूब, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जेड जो है वो एक्स और वाई इसकी सिमेट्रिक है, जेड सिमेट्रिक है, तो जेड सिमेट्रिक है तो ये जेड क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर फोर, ये भी माइनस एक्स की पावर फोर आ जाएगा और ये जेड का क्यूब आ जाएगा। अच्छा माइनस पावर फोर करोगे तो माइनस वन की पावर फोर बाहर आएगा, तो ये जेड क्यूब एक्स की पावर फोर, ये एक्स की पावर फोर जेड क्यूब आएगा, यहाँ से इसको एक्स की पावर फोर जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर फोर विद अ माइनस साइन लिख देंगे, यही माइनस सी हो जाएगा। अब सी ट्रांसपोज जो है आपने निकाला वो किसके बराबर आ गया, माइनस सी के, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक आ गया। अगर आप ये सब नहीं लिखना चाहते, वैसे आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें ज्यादा तेजी से दिखेंगी, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो सीधा वो प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज की जगह एक्स ट्रांसपोज की जगह माइनस एक्स लिखना है, इसकी सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखना है। आप ऐसे भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ है ना, तो ऐसा नहीं है कि विद इवन ऑड से ये टेबल अगर आपके दिमाग में है तभी आप कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बट चीजें उसके हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में करना सिंपल एक काम है, आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, अगर वही मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक है, अगर वही मैट्रिक्स माइनस के साथ आ गई तो वो इसकी सिमेट्रिक, बस इससे ज्यादा काम आपको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के टाइम पे नहीं करना है।